रहेगा और हमारे पास रिजल्ट जो है वो आउटपुट हमारा क्या होगा, हाई होगा। इनपुट दोनों इनपुट्स में से अगर एक इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जबकि एंड गेट में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों इनपुट्स का हाई होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे पास ये जो वन की स्टेट थी जिसमें हाई आउटपुट था वो हाई आउटपुट हमारे पास एक ही सिर्फ कंडीशन थी जिसमें दोनों स्विचेस जो है वो क्या थे, ऑन थे, S1 और S2। अब बेटा अगर हम इसको बूलियन एक्सप्रेशन में देखते हैं तो और ऑपरेशन के साथ मैंने यहां पे प्लस का साइन भी मेंशन किया हुआ है। अब इसको बूलियन एक्सप्रेशन जो है अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको हम रीड किस तरह से करेंगे, जैसे हमने एंड ऑपरेशन में कहा था ए एंड बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, रेड एज x equals a और b, इट मीन्स a और b दोनों अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक, और का मतलब या आपको पता है इजी वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो दोनों में से अगर कोई एक और होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या होगा, हाई होगा। अब अगर हम सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं तो इसको सिंबॉलिकली हम इस एरो से जाहिर करते हैं और ये हमारा आउटपुट जो है x equals to a और b, प्लस के साइन में आपने ये गलती नहीं कर जानी कि आप इसको एंड समझे। एंड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वो डॉट था और उसको हमने रिप्रेजेंट किया था x एंड b। अब डिफरेंस बेटा क्या है, डिफरेंस ये है कि उस डायग्राम में as I explained earlier कि हमने स्विचेस को क्या किया था, बोले सीरीज में ज्वाइन किया था, इसमें हमने स्विचेस को किस में ज्वाइन किया है, पैरेलल में ज्वाइन किया है। और अगर हम इन पॉसिबल स्टेट्स को ट्रांसलेट करें तो मैंने आपको बताया था कि रट्टा आपने कभी भी नहीं लगाना, सर्किट डायग्राम से आपने ये टेबल बनाना है, इसी टेबल को आपने ट्रूथ टेबल में रीड करना है जिसमें हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन नेक्स्ट वो आ जाएगा। अब अगर मैं इसको फोर लाइंस में ट्रांसलेट करूं एक्सप्लेनेशन में तो क्या होगा, व्हेन एस वन एंड एस टू बोथ आर ओपन द लेंथ विल बी ऑफ, ये नंबर वन कंडीशन हो गई हमारी। पहले हमने जस्ट इसको रिप्रेजेंट किया था, अब हम इसको डिटेल से स्टेट करते हैं। अब बेटा नंबर टू में व्हेन एस वन इज ओपन एंड एस टू इज क्लोज द लेंथ विल बी ऑन। नंबर थ्री में when S1 is closed, S2 is open, the lamp will be on. And again, number 4 pe, when S1 is closed, S2 is closed, the lamp is on. Clear hogi baat? Kisi student ko koi doubt isme? Hai to bataein. Ye iski boolean expression bhi clear ho gaya, aur aapko iski symbolical representation bhi क्लियर हो गए। यही बात आपने डिटेल से बतानी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए और ऑपरेशन का आप हेडिंग देंगे और उसके बाद आपने ये मेंशन करना है प्लस का साइन साथ, ताकि स्टार्ट में ही आपको पता चल जाए कि अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन में इसको जाहिर करेंगे तो इसकी सिंपल सिंबल जो है वो प्लस की सिंबल है और उसके बाद और गेट को आपने डिफाइन कर देना है। सेकेंड वन हेडिंग सर्किट डायग्राम जो क्लियरली आप मेंशन करेंगे जिसमें आप दो स्विचेस को क्या करेंगे, पैरेलल में ज्वाइन करेंगे, लैंप को ज्वाइन करेंगे और यहां पे हम बैटरी को जो है वो क्या कर देंगे, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये वाला टेबल, ये हेडिंग्स आपने किसी तरतीब से पेपर में देनी है। क्लियर होगी बात, कोई क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड बताएं मुझे। शाबाश, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेस दिस और ऑपरेशंस लेक्चर, क्लियर है? Yes.